आज की रेसिपी है आलू फ्राई, झटपट बनने वाली सिंपल आलू फ्राई रेसिपी। चलो फिर इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पैन लीजिए और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लीजिए। फिर जैसे तेल गर्म हो जाए इसमें डाल दीजिए जीरा और राई और लहसुन को क्रश करके डाल दीजिए। साथ में करी लीव डाल के इसको छिटकने देना है। अब मैंने यहाँ पर इसमें डाला है हींग, एक बार मिक्स करना है। फिर यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह से स्लाइसेस में कट करके लिया है। एक बार अच्छे से मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। फिर एक बार ये पक जाए फिर हमें दूसरे तरफ से भी इसको अच्छे से पकाना है और 10 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पे ही पकाना है। देखिए यहाँ पर आलू ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने मसाले के लिए लिया है हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर लिया है। और साथ में डाल दीजिए नमक स्वाद के अनुसार। इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा कुछ मसाले ऐड ही नहीं किया है, सिंपल मसाले हैं। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स करके लेना है। देखिए हमारा आलू तो ऑलरेडी पक चुका है, अभी मसाला भी पक चुका है और इसमें धनिया पत्ता डाल दीजिए। बस के हमारा आलू फ्राई रेडी हो चुका है और इसे आप सर्व कीजिए राइस के साथ या फिर रोटी के साथ। बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ बना है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।